हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज हम आपको MI 5A के बारे में जानकारी देंगे। MI 5A का जो मॉडल है MI 5A, इसमें जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है, मेरे पास जो है MI का सेट है, इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, हमारा सेट चार्जिंग नहीं हो रहा। तो जब कभी सेट चार्ज नहीं होता तो सबसे पहले उसकी चार्ज पिन चेंज करते हैं। तो चार्ज पिन चेंज करते हैं तो उसके बाद भी चार्जिंग नहीं होता है तो इसके पॉइंट ऑफ रीडिंग चेक करते हैं मीटर से। मीटर को बीप रेंज में लाकर लाल वाली वायर को ग्राउंड पर करेंगे और ब्लैक वाली वायर को पॉइंट पर रखेंगे। किस पॉइंट पर रीडिंग नहीं आ रही, इसके दो ही पॉइंट होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। या वो ब्लू कलर में एक छोटा सा वायर दिख रहा है वो माइनस वाला है, वो आप कहीं से भी ग्राउंड दे सकते हो। जो एक लंबा वायर है वो प्लस का है। तो कभी की प्लस की रीडिंग नहीं आती तो आपको सबसे पहले जो बैटरी का टॉप गार्ड रहता है, चार्जिंग का टॉप गार्ड रहता है, तो चार्ज पिन से टॉप गार्ड के ऊपर कनेक्टर के बगल में एक जम्पर दे सकते हो। वहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको जिस पर जम्पर दिया हुआ है। तो चार्जिंग पिन के प्लस पॉइंट से आप डायरेक्ट टॉप गार्ड के कनेक्टर पर जम्पर दे सकते हो। अगर इसके बाद भी चार्जिंग नहीं होता तो टॉप गार्ड से डायरेक्ट जम्पर आप चार्जिंग IC तक दे सकते हो, जिससे जो कि आपको इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। पहले चार्जिंग पिन से जम्पर देंगे टॉप गार्ड के कनेक्टर तक, उसके बाद भी चार्जिंग नहीं होता तो टॉप गार्ड के कनेक्टर से जम्पर देंगे डायरेक्ट IC पर। IC के आप ऊपर दो पॉइंट देख रहे हैं, दोनों के ऊपर के सिरे पर ही जंपर देना है, नीचे दूसरा सिरा ग्राउंड रहता है उस पर जंपर बिल्कुल नहीं देना है। सिर्फ आपको ऊपर के सिरों पर जिस पे आपको ये जंपर दिखे उन्हीं पर आपको ये जंपर देना है तो आपका सॉल्यूशन 100% होता है। इसके बाद भी चार्जिंग नहीं होता तो आपको फिर चार्जिंग IC रिप्लेस करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चार्जिंग IC निकाल के दूसरे सेट में डाल देना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।